हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और आप हैं मेन वेबसाइट पर, जहां पर सारे कोर्सेज के एडमिशन होने वाले। फिलहाल इंजीनियरिंग के कोर्सेज चालू हो चुके हैं, जहां पर भी न्यू लिख रहा होगा वो वेबसाइट चालू हो चुका है, उसका एडमिशन प्रोसीजर चालू हो चुका है। ओके, और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम मैंने इंजीनियरिंग का बताया था कि भाई एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया, क्या क्या प्रोसेस है। होटल मैनेजमेंट डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग से, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का भी प्रोसेस चालू हो चुका है। आज मैं आर्किटेक्चर का बताने वाला हूँ, आर्किटेक्चर का भी प्रोसेस चालू हो चुका है, फॉर्म खुल चुके हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हो चुके हैं। तो उसके बारे में डिटेल बताऊँ। सबसे पहले बता दूँ कि वेबसाइट पर पहुंचना कैसे, बहुत सिंपल है। आप mahacet.org आपको डालना है। ओके, देखिए मैं ये इसलिए क्यों बता रहा हूँ, ये पकड़ नहीं रहा बिकॉज यहाँ पर डबल सी हो गया। मैं इसको प्रॉपर करेक्ट कर देता हूँ, करेक्ट रहेगा तो प्रॉपर पकड़ेगा, आ गया ना वेबसाइट। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बाकी जो है, बाकी जो भी है इंजीनियरिंग फार्मेसी, वो लोग ये वेबसाइट बार बार आ रहे हैं, उनको पता है। बट आर्किटेक्चर वालों ने नाटा एग्जाम दिया, उनको आइडिया नहीं होता। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि महासिटी डॉट ओ आर जी वेबसाइट, वेयर योर सेंट्रलाइज प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस विल बी देयर। ओके, और यहाँ पर आपको जाके बी आर्क में क्लिक करना है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एडमिशन। तो आप देख सकते हो एकेडमिक ईयर 2022 लेटेस्ट डेटा है, यहाँ पर पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला है। ये वेबसाइट आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर ही आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन होगा आपको। यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर या तो यहाँ पर, दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए यहाँ पर फुल नेम और बाकी डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन करके आगे प्रोसीड करना है। ये फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर आईडी दी जाएगी, वो आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना है। फिर सेकंड टाइम जब भी आप आगे बढ़ोगे, बिकॉज दो तीन बार लॉगिन करना ही पड़ता है, बिना दो तीन बार लॉगिन किए आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, फॉर्म बहुत बड़ा है और एकदम केयरफुली भरना है आपको, मैं डेट्स भी बताऊंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन में क्लिक करना है, जब आप सेकंड टाइम आप रजिस्टर करोगे तो AR21 उसके आगे जो भी नंबर रहेगा वो आपको डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पर डूज और डोंट्स दिए हुए। ओके, चलिए मैं आपको डेट बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, जब आप होम पेज पे आते हो तो ये होम पेज है, यहाँ पर ये क्लिक करते हो तो आपको एक पीडीएफ जनरेट होता है। हाँ, ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने जनरेट करके रखा है, देख सकते हो। 1 नवंबर, 1 नवंबर, ओके, तो ये प्रोसीजर चालू हो गया। नहीं, 1 नवंबर को उन्होंने ये रिलीज किया था, फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर फॉर एडमिशन ऑफ बीआर, देख सकते हो आप। बट ये जो है, इसका अपडेट आज आया है फाइनली वेबसाइट पर। इसका डिटेल मुझे पहले पता था, बट मैं वेट कर रहा था कि वेबसाइट पर अपडेट आया तो मैं बच्चों को बताऊं। यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जो भी स्टूडेंट है, भले वो नाटा के द्वारा एडमिशन लें या जेई मेन पेपर 2 के द्वारा एडमिशन लें, बट महाराष्ट्र के सभी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन आपको इसी वेबसाइट से होगा, महासिटी डॉट ओ आर जी, आप याद कर लीजिए। हाँ, फिलहाल मैंने ये क्लिक करके जो एडमिशन नोटिस है वो आपको दिखाने के लिए दिखाया है। ये एडमिशन नोटिस है, आप रीड कर सकते हो। मैं मेन 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 पॉइंट बता दूंगा, जैसे कि कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल। ओके, मींस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अदरवाइज महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, बाहर का है तो आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। फिर आपका क्लास 12 जो है वो महाराष्ट्र से होना चाहिए। ओके, ये सब महाराष्ट्र के, कैसा होता है, हर एक कॉलेज में 85% सीट महाराष्ट्र कैंडिडेट को दिए जाते हैं और 15% सीट ऑल इंडिया कैटेगरी को। तो अगर महाराष्ट्र के बाहर के हो तो भी आप फॉर्म ये भर सकते हो, मगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में जाओगे। और अगर आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल देते हो और महाराष्ट्र की सिटीजनशिप आप अप्लाई कर रहे हो, मीन्स डोमिसाइल, सो आप 85% कैटेगरी में जाओगे, आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया रेट्स वो कम होते हैं। बट या यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन क्वालिफाई मार्क्स इन नाटा, नाटा के एग्जाम के द्वारा ही आपका जो है ये पूरा प्रोसीजर होगा, बेस जो होगा पूरा एकदम ओके, वो टोटली नाटा के ऊपर ही होगा, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा क्राइटेरिया था कि सर पीसीएम में 50 होना चाहिए, बट इस साल उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। उस साल उन्होंने सीधा बोला है कि HSC पास होना चाहिए और उसके पासिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 चीज होनी चाहिए बस। तो दैट इज द थिंग दैट यू शुड नो। और दूसरा, हाँ, डिप्लोमा वाले जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया 10th के बाद और उनको मैथ्स का सब्जेक्ट था, ओके, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग ऑफ एलिजिबिलिटी। सेकेंड थिंग, हाँ, ये वेबसाइट मैंने आपको बताया, महासिटी डॉट ओ आर जी, यहाँ पर सब कुछ होगा। आपको पेमेंट करना होगा 800 रुपया। ओके, आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी जो भी है, OMS जो है, महाराष्ट्र के बाहर वाले जो भी अप्लाई कर रहे हैं 15% कैटेगरी में ऑल इंडिया सीट्स में, या जो भी है जम्मू कश्मीर कैटेगरी, ओके, तो 800 रुपीज़ आपको फीस है। बाकी रिजर्व कैटेगरी को 600 रुपीज़ फीस है। NRI, OCI, PIO जो भी कैंडिडेट है 5000 है। देखिए, आप अपने बारे में सोचिए, दूसरे का मत देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है, आपको अपने कैटेगरी में समझना है। आप महाराष्ट्र के अंदर के हो तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो गए, OMS हो तो OMS कैटेगरी, ओके, तो अपना कैटेगरी देखो, यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। बाकी कास्ट वाले यहाँ पर देख लो। फीस जो है टोटली ऑनलाइन मोड पे होगा, नॉन रिफंडेबल है। आपका एडमिशन हो ना हो, आप इस प्रोसीजर में अप्लाई कर रहे हो तो आपका फीस भरना पड़ेगा। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। UPI की फैसिलिटी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट,
ये आपके डेट्स है जो अभी तक मैं बता दूँ, हाँ डेट्स जो यहाँ पर अपलोड हो जाना चाहिए था, बट मैंने देखा वो अभी तक उनका काम चालू है, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट क्लिक करते हुए इंपॉर्टेंट डेट पूरा आना चाहिए था। बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको ये पीडीएफ के द्वारा डेट बता दूंगा, यही डेट्स है, डेट्स में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, यही डेट रहने वाले मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये डेट्स ही वेबसाइट में अपलोड होगा। और अभी तक उनके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा काम चालू है, बिकॉज ये छोटा काम नहीं है, महाराष्ट्र के सारे कैंडिडेट का सब डेटा वगैरह लेना, सब फैच करना, इट्स क्रिटिकल वर्क, वी कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 3 नवंबर से चालू हो चुका है आज से, ओके। और आज मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, और 13 नवंबर शाम के 5 बजे तक, देख लीजिए शाम के 5 बजे तक ये चीज ओपन होगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आप ट्राई करो कि आज कल से आप फॉर्म भरना चालू कर दो, स्टेप बाय स्टेप भरो, धीरे धीरे भरो, कोई मिस्टेक्स ना हो, ओके। और 13 नंबर के पहले आपका फॉर्म भर के हो जाए, ओके। सेकेंड थिंग, सिर्फ 13 नंबर तक फॉर्म नहीं भरना है यार, आपको वेरिफिकेशन भी कराना है। वेरिफिकेशन मीन्स व्हाट, आप जो भी, जैसे कि आपका डोमिसाइल हो गया, आपका जो भी है आपका आधार कार्ड हो गया, देन आपका 10th 12th की मार्कशीट हो गई है, सर्टिफिकेट हो गया है, देन आपका डोमिसाइल, देन जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होंगे, ओके, उसको वेरीफाई करना पड़ता है, बिकॉज वो सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं है ऐसा। तो ये एक सिस्टम होता है, ये भी आपको 13 नंबर के पहले कराना है, ये अपने दिमाग में फिट करके रखो। ये 15 नवंबर का डेट मत देखो, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्यों मैं अभी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर वेरीफिकेशन करने का 2 मोड है, एक होता है ई स्क्रूटनी मोड। ई स्क्रूटनी मोड में आप क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर स्कैनर अवेलेबल है, या आप मोबाइल से स्कैन करके फोटोज वगैरह डॉक्यूमेंट के आप किसी भी सॉफ्टवेयर से उसको थोड़ा सा क्लीन करके आप अपलोड वगैरह करते हो, ओके, फिर वो वेरीफाई होता है, तो उसको ई स्क्रूटनी मोड बोलते हैं। और अगर बाई चांस अगर आप FC सेंटर में जाके वेरीफाई कराना चाहते हो, मीन्स आप सारे डॉक्यूमेंट लोगे, फिर आपने जो भी डिटेल डाले हैं वो फॉर्म, वो उसका एक प्रिंट आउट, वो दोनों आप ले जाके FC सेंटर में जाओगे, FC सेंटर कहाँ पर है मैं वो भी बताऊंगा, और वहां पर जाके वेरीफाई कराओगे, तो उसको बोलते हैं फिजिकल स्क्रूटनी मोड। सर व्हाट यू विल से, क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगा भैया आप फिजिकल स्क्रूटनी मोड में जाओ, ओके। अगर ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो, मतलब आप कास्ट वाले हो, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर, बिकॉज क्या होता है अगर समझो एक भी डॉक्यूमेंट का इमेज क्लियरिटी अगर क्लियर नहीं है तो वो ई स्क्रूटनी मोड में वेरीफाई नहीं होता है, वो अटक जाता है, फिर आपको वापस से मोड चेंज करना पड़ता है, फिजिकल में आना पड़ता है, फिर वापस को एफसी सेंटर वापस जाना ही पड़ता है, ओके। सो बट अगर आपके पास समझ लो आप ओपन कैटेगरी के हो और आपके डॉक्यूमेंट बहुत कम है, डोमिसाइल हो गया, एक 10th 12th का सर्टिफिकेट हो गया, 2-3 डॉक्यूमेंट है गिने चुने, तो अच्छे से स्कैन कर लो, या आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है जिसमें आप स्कैन कर सकते हो, तो आप स्क्रूटनी मोड में जाओ, स्कैन कराओ अच्छे से, एकदम HD क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी से, और उसको अपलोड करो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्लियर हो जाएगा, तो दैट इज स्क्रूटनी मोड। और फिर आपको वहां पर नीचे आपके एप्लीकेशन में लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, और ये पूरे सेंटर का हेड जो है वो है सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये मेन हेड ऑफिस है पूरा एडमिशन प्रोसेस होने का, ओके। सिर्फ मैं नाम के लिए बता रहा हूँ, वहां पर आपको जाना भी ना नहीं है, सब आप वो प्रोसेस से जाना है। हाँ FC सेंटर में आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये सब होने के बाद 15 तारीख लास्ट डेट है वो वेरीफाई कराने का, 13 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। वो होने के बाद 17 तारीख को, 17 नवंबर को, 17 नवंबर को एक मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र के कितने कैंडिडेट हो जो आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके। उसके अकॉर्डिंग एक आपको लमसम आइडिया बन जाएगा। दूसरा कि मैंने आर्किटेक्चर कॉलेज के फीस के ऊपर भी वीडियो वगैरह बनाया है, आप देख सकते हो, और कुछ रिक्वायरमेंट हो, ओके, कट ऑफ वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब भी आप आर्किटेक्चर के इस पे आते हो, मतलब यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करोगे आर्किटेक्चर में, फिर ये पेज ओपन होगा, ओके, ये पेज ओपन होगा, ये पेज ओपन होते ही मैं होम पेज करता हूँ, इसको होम करेंगे ना आप, तो यहाँ पर देखिए कैपराउंड 1, कैपराउंड 2 लास्ट है, कट ऑफ यहाँ पर दिए हुए हैं, PDF डाउनलोड करो आराम से, देखो आपका कहाँ पर फिट होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग करो। आपको चाहिए रिक्वायरमेंट होगा तो बोलना कमेंट वगैरह में, तो मैं कट ऑफ पे वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑल इंडिया कैटेगरी है और ये महाराष्ट्र कैंडिडेट है, 85% वाले, 85% सीट्स एंड 50% सीट्स, ओके। तो ये मैंने बताया, फिर हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। उसके बाद ग्रीवियंस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह करना हो, डॉक्यूमेंट आपका नहीं था, डॉक्यूमेंट आ गया, फिर आप अपलोड वगैरह कर रहे हो, वो सब इसमें आप ना ही जाओ तो अच्छा है। फिर डायरेक्ट 21 तारीख को एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें थोड़ा सा अप डाउन, थोड़ा बहुत अप डाउन होता, नहीं तो फाइनल, ये वाला फाइनल ही रहता है जो 17 नवंबर को आने वाला है। उसके बाद आप जो है ऑप्शन फॉर्म भरोगे, 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, 2 दिन का टाइम है। इसके लिए अभी से आप जो भी है प्रायोरिटी वाइज जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप बना के रखो, आपका थोड़ा कॉलेज जो है टॉप का लो, थोड़ा कॉलेज आपके कट ऑफ से लो का लो, थोड़ा कॉलेज आप जो भी आपका करंट कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग लो,
फिर 26 को आपको डिस्प्ले होगा फॉर्म में भरने के बाद। फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है, वेरीफाई करना है। ओके, यहाँ पर आपको लॉग इन करके पासवर्ड आकर वेरीफाई करना पड़ता है ऑप्शन फॉर्म। उसके बाद 26 को डिस्प्ले होगा, फिर आपके पास 3 दिन का टाइम दिया जाएगा 27 से 3। वहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस फी भर के, या तो आप पहला कॉलेज समझ लीजिए आपकी लिस्ट का पहला कॉलेज लगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पर जाकर एडमिशन आपको लेना ही है। दूसरा कोई कॉलेज लगता है तो आपको एक्सेप्टेंस फी भरना है। ओके, अगर एक्सेप्टेंस फी भरने के बाद आपको वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसको लॉक कर दो। ओके, उसको लॉक कर दो, फ्रीज कर दो, और आप उसमें जाके एडमिशन ले लो 3 दिन के अंदर, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके, फी सबमिट करके। और बाय चांस अगर आपको उसमें नहीं लेना तो भी आप सीट एक्सेप्टेंस फीस भरोगे और वहां पर नॉट फ्रीज का ऑप्शन होगा उसको चूज करोगे। मतलब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरना ही है आगे प्रोसीड होने के लिए, चाहे आप एडमिशन लो या चाहे आप सेकेंड राउंड के लिए जाओ, बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट बोलते हैं उसको हम लोग। ओके, तो उसके बाद जो है जैसे मैंने बोला था 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 27 से लेकर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट का फीस जो होता है पूरे कॉलेज का फीस एक साथ ही भरना पड़ता है, एक साल का, वो पूरा भर के आपको 30 तारीख 5 बजे के पहले आपको एडमिशन कंफर्म करना है। आई विल से यू कि कैप राउंड 1 में आप लॉक कर लो अपना सीट, एडमिशन करा लो, उसके लिए बेटर होगा, बिकॉज 80% जो सीट का अलॉटमेंट होता है वो कैप राउंड 1 में हो जाता है। कैप राउंड 2 में रेयर केस में थोड़े बहुत बचते, तो आप ट्राई करो एज सून एज पॉसिबल एडमिशन ले लेने का, बिकॉज आपको मालूम है आर्किटेक्चर के कॉलेज बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है और कट ऑफ बहुत हाई है, और नॉट ओनली ऑफ महाराष्ट्र, बाहर के भी लोग आके अप्लाई वगैरह करते हैं। सो दिस इज द थिंग, कॉम्पिटिशन है तो कॉम्पिटिशन है, उसमें कोई ये नहीं अपन बोल सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, देन कैप राउंड 2 आपका जो भी है वैकेंट सीट मतलब जैसे मैंने बोला 80% सीट आपको कैप्राउंड 1 में अलॉट हो जाएगा। उसके बाद जो भी सीट वैकेंट है वो कैप्राउंड 2 में 1 दिसंबर को डिस्प्ले हो जाएगा कि इस कॉलेज में इतने इतने सीट है। फिर उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी खाली खाली सीट है वो कॉलेज सिलेक्ट करके ऑप्शन फॉर्म में वहाँ का नाम डालना है। आप समझ लो आपने जेजे का नाम डाला, जेजे में ऑलरेडी कैप्राउंड 1 में सीट फुल हो गया, तो वहाँ कहाँ से आने वाले, बराबर। तो आपको ये डिस्प्ले देखना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ पर वैकेंट सीट है, वहाँ पर आप लिस्ट बनाओ फिर वापस से डालो। इसीलिए मैं बोला था आप ट्राई करो कि फर्स्ट राउंड में ही आपका हो जाए। फिर आपका सेम प्रोसेस जो मैंने बताया सीट एक्सेप्टेंस फी का वगैरह वगैरह 3 दिन आपको दिया जाएगा, और 6 दिसंबर को सेकंड अलॉटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपको एडमिशन लेना है शाम को 5 बजे तक। ओके, और उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, रेयर केस में होता है। रेयर केस में मीन्स वॉट, अगर वैकेंट वगैरह सीट वगैरह रह गए तो उसके बाद कभी कभी होता है, कभी कभी कॉलेज को सौंप दिया जाता है कि भाई आपका जो भी वैकेंट सीट है आप जिसको अलॉट करना चाहते हो अलॉट कर दो, तो कैप राउंड 1 में आपका एडमिशन हो जाए इसके लिए आप पूरा एकदम जोर लगा दो, और नहीं तो कैप राउंड 2 में हो ही जाए ऐसा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम टेबल में भी कुछ नहीं दिया है, और मैं भी आपको बोलूंगा कि इसके बाद कभी कभी इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, कभी कभी नहीं होता है, डिपेंड अपॉन केसेस। ओके, तो राउंड 1 राउंड 2 में हो जाए आप ट्राई कर लो। फिर आपको यहाँ मतलब कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, मतलब सर कॉलेज कब चालू होगा, 1 दिसंबर से आपका कॉलेज चालू हो जाएगा, उन्होंने बता दिया है। ओके, और कॉलेज वाले जो भी आपका जो भी डेटा वगैरह रहेगा वो 18 दिसंबर से अपलोड कर देंगे, तो कॉलेज जाना भी जरूरी है। कॉलेज में आपको हो सकता है ऑनलाइन क्लास होगा या तो ऑफलाइन होगा, जो भी होगा वो आपको नोटिफाई करेंगे। और ये जो डेट्स है ये स्पेशल जम्मू कश्मीर केसेस के लिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए कि ये जो है ये एक्टिविटी है। आपका काउंसलिंग राउंड ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, आपको जे कॉलेज में जाना पड़ेगा काउंसलिंग राउंड के लिए, और 22 तारीख से स्टार्ट है, 24 तारीख को ख़त्म है, 22 नवंबर से 24 नवंबर। तो जम्मू कश्मीर कैंडिडेट का है ये, और किसी का नहीं है, आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो भी रहेंगे और लद्दाख के, ओके, उनको ये देखना है और ये डेट याद रखना है कि भाई 22 तारीख को काउंसलिंग राउंड के लिए जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में रिपोर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी है वो सब करके 25 तारीख तक आपको निपटाना है। ओके, देन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ओके, और मैं देख लेता हूँ कुछ थोड़ा बहुत और कुछ रहेगा तो। ओके, और कुछ तो नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस फी पहले दे दिया है, लास्ट टाइम जो है पहले नहीं दिया था, बाद में बताया गया था 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी है जो आपको ऑनलाइन मोड में ही भरना है। ओके, और हाँ, कास्ट वालों आपको पता है, आपको ऑलरेडी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ जो भी है क्रीम लेयर का सर्टिफिकेट विद डेट वैलिडेशन वो सब आपके पास होना चाहिए। एक बार आप ब्रोचर देख लो, ब्रोचर कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। कास्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नोट, ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पर जाते हो, BR में क्लिक करते हो, ये वेबसाइट ओपन होता है, यहाँ पर ब्रोचर है, ये आप डाउनलोड करो और कास्ट वाले स्पेशली उसको पूरा रीड करो कि भाई क्या क्या कास्ट में चाहिए, वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें डेट कब तक होना चाहिए वगैरह वगैरह एंड ऑल। ओके, बाकी ओपन के लिए जो भी डिटेल चाहिए था वो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है। ओके, ऑलमोस्ट सब बता दिया। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे तो कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे डिटेल मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल। बट इस बार स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दी गई है, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-2026-988, जो 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लाइव होगा। इस पर नंबर ऑफ
लाइक कॉल सेंटर उन्होंने अरेंज किया है, और आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कॉल करके, कभी भी एक बार दो बार मैनी टाइम्स, उसके कोई चार्जेस नहीं है, बिंदास आप कभी भी फोन करो और जो भी डाउट है वो पूछ लो। ओके तो ये सब जो मैंने आपको बता दिया पूरा। ओके तो इतना ही था एडमिशन नोटिस में, बाकी जो है वेबसाइटों का डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपको कट ऑफ चाहिए तो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए राउंड वन यहाँ पर है, राउंड टू यहाँ पर है, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट हो, और महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो कोई भी कैटेगरी की हो, आपको अपना कट ऑफ चेक करना है पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस का, तो राउंड वन ये रहा, राउंड टू ये रहा। ओके इफ रिक्वायरमेंट यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा, अगर आपको समझ लिया कट ऑफ समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ओके तो इतना ही मुझे बताना था, ये वेबसाइट है याद रख लो mahacity.org, फिर ये वेबसाइट ओपन होता है और बीआर में आके क्लिक करना है, फिर ये ओपन होगा और यहाँ पर सब कुछ आपको करना है। ओके और हाँ एफ सी सेंटर मुझे बताना था, सॉरी मैं वो भूल गया, मैं एफ सी सेंटर बता देता हूँ। ये देखिए लिस्ट ऑफ एफ सी सेंटर, सारे कॉलेजेस एफ सी सेंटर नहीं होते हैं, कुछ कुछ कॉलेज को ही राइट्स दिया जाता है एफ सी सेंटर का, तो ये एफ सी सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लोकेशन मुंबई है, मुझे मुंबई का एफ सी सेंटर देखना है, मैं कंट्रोल एफ करूंगा पीसी में, मेरे पास एक टैब ओपन होगा, वहां पर मैं टाइप करूंगा MUMBAI मुंबई। ओके तो ये पहला तो हेडिंग ही आ रहा है, बिकॉज मुंबई इज अ हेड सेंटर फॉर एडमिशन प्रोसेस। ये देखिए रचना संसद एकेडमी, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जे जे कॉलेज और रचना संसद एकेडमी, ये सबका ड्रीम कॉलेज होता है, पूरे महाराष्ट्र का ड्रीम कॉलेज होता है कि हमें ये दो कॉलेज में भाई एडमिशन मिल जाए तो लाइफ सेट। तो वो दोनों एक एफ सी सेंटर है, मतलब अगर समझ लो, हाँ अगर आप समझ लो कॉलेज में आपका कट ऑफ का एडमिशन नहीं है, तो एटलीस्ट आप जाके एफ सी सेंटर में वेरीफाई करके कॉलेज तो देख के आ सकते हो। नेक्स्ट महात्मा एजुकेशन सोसाइटी, जो भी न्यू मुंबई वाले हैं, पिल्ले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर आप जा सकते हो। देन आदित्य कॉलेज बोरीवली में है, वो एक एफ सी सेंटर है। देन विश्वनिकेतन, ओके खालापुर, ये थोड़ा आउटवर्ड हो गया। देन ये नाला सोपारा में अपना एक कॉलेज है, कहाँ गया ये रहा, के एल तिवारी पालघर में पड़ता है, और एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैप में मिल जाएगा, नाला सोपारा में है, ये एक कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस आपके लिस्ट आपके सामने है, ये एफ सी सेंटर है, ये वेबसाइट में आप यहाँ पर जाके क्लिक करते हो लिस्ट ऑफ एफ सी सेंटर, ये आ जाता है। फिर आपको जो भी लोकेशन है, मैंने मुंबई का सर्च करके बताया, आप किसी भी लोकेशन का सर्च कर सकते हो, आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, कहीं यहीं पर इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि ये रहा ये इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से बस मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि ये डेटा भी नहीं अपलोड हुआ है पूरा, अभी वो लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे, और डेटा अपलोड हो जाएगा। ओके तो टोटल 44 सेंटर इस बार डिसाइड किए गए एफ सी के, नहीं तो लास्ट टाइम हम लोग देखते थे तो 28-30 एफ सी सेंटर ही होते थे, एफ सी सेंटर कम थे, इस बार बढ़ाए गए क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि भाई बच्चों को बहुत डाउट होता है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ओके तो दिस ऑल जो डिटेल था मुझे आपको देना था वो आपने ले लिया। ओके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अमित चौधरी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आपको फ्रेंड्स को बताया, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बच्चे नाटा का एग्जाम दिए है, जेई मेन पेपर 2 दिए है, बट उनको पता ही नहीं कि भाई महाराष्ट्र का एडमिशन कहाँ हुआ। ओके मेडिकल स्टूडेंट का भी सेम हाल है, नीट एग्जाम दिया है, उनको लगता है कि एडमिशन भाई नीट के वेबसाइट पे होने वाला है, वहाँ पर जाके मेडिकल काउंसिल को बार बार क्लिक करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके कोई फ्रेंड है तो उनको बताओ कि भाई mahacity.org ये वेबसाइट है, यहाँ पर मेडिकल का ये रहा नीट यूजी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मेडिकल का टैब ओपन होता है, एग्रीकल्चर के लिए इधर, मतलब ये एक सेंटर वेबसाइट है, यहाँ पर ही सारे एडमिशन होने वाले महाराष्ट्र के किसी भी ब्रांचेस में, कॉलेजेस में। ओके चाहे वो मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, या समथिंग एल्स, LLB BEd का भी इधर ही होने वाला है। ओके चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय बाय।